लंग्स के बुल्ला या ब्लेब्स क्या होते हैं? हमारे लंग्स के आउटर सरफेस पे कई बार कुछ छोटे या बड़े साइज के हवा के गुब्बारे बन जाते हैं। जब ये गुब्बारे 1 सेंटीमीटर से छोटे होते हैं तो हम इनको ब्लेब्स बोलते हैं, और जब ये 1 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं तो हम इनको बुल्ला बोलते हैं। कई बार ये ब्लेब्स और बुल्ले बहुत सारे लोगों के लंग्स में पाए जाते हैं बट कोई सिम्टम्स नहीं करते। कई बार ये ब्लेब्स या बुल्ले सडनली फट जाते हैं या तो किसी कारण की वजह से या कभी कभी बिना किसी कारण के, और छाती में हवा भर जाती है जिसको न्यूमोथोरैक्स बोला जाता है। अगर न्यूमोथोरैक्स हो जाता है बुल्ला के रप्चर होने से तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। वो ट्रीटमेंट चेस्ट ट्यूब डाल के भी किया जा सकता है और मोर सीवियर केसेस में सर्जरी के माध्यम, जैसे कि वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी। अगर बुल्ले रप्चर नहीं होते या फटते नहीं हैं तो भी कई बार बुल्लर्स की सर्जरी करी जाती है, स्पेशली जब बुल्ले में कोई इन्फेक्शन हो जाए। उस इन्फेक्शन की वजह से बुल्ले में पस जम सकता है और वो एक एब्सेस में कन्वर्ट हो सकता है, जब इस सिचुएशन में बुल्ला की सर्जरी करनी पड़ती है। नॉर्मली ये बुल्ले एक लंग के छोटे से हिस्से में ही सीमित होते हैं, बट कई बार ऐसा देखा गया है स्पेशली COPD के पेशेंट्स में जो स्मोकिंग करते हैं, या COPD के पेशेंट्स जिनको अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है, उनमें देखा गया है कि ये बुल्ले छाती में, लंग्स में मल्टीपल जगहों पे होते हैं और सिर्फ एक लंग नहीं बल्कि दोनों लंग्स में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इसका यूजुअली ट्रीटमेंट COPD के लाइंस पे चलता है। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, अगर कोई बुल्ला फटता है या रप्चर होता है तो उसका ट्यूब द्वारा ट्रीटमेंट या सर्जरी द्वारा ट्रीटमेंट होता है। बट ये डिजीज़ जो बुल्ला सिम्फाइसिमा होता है, समय के साथ बढ़ता जाता है, ये प्रोग्रेसिव होता है अगर स्पेशली अगर हम ट्रीटमेंट टाइमली नहीं लेते। जब ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है और लंग का नॉर्मल आर्किटेक्चर को रिप्लेस करके ज़्यादातर जगहों पे अगर ये खाली हवा के गुब्बारे भर जाते हैं तो कई बार लंग ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट ऑप्शन ही बचता है, स्पेशली जब मरीज ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हो जाता है, उनका चलना फिरना कम हो जाता है, वो बेड रिडन हो जाते हैं। जब हम उनकी गैसेस चेक करते हैं ब्लड में तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होता है या CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसी सिचुएशंस में कई बार लंग ट्रांसप्लांट ही ट्रीटमेंट ऑप्शन बचता है।